हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.soabism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि C++ की हिस्ट्री क्या है और C++ के एप्लीकेशंस और फीचर्स क्या हैं। और हम यहाँ पर C++ के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं करी तो आपको ये सेगमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ C++ पे जंप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसके अंडर हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कंप्यूटर हमारा काम करता है, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। और फिर मैं आपको बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। और फिर हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में, वॉट इज कोडिंग और कोडिंग कैसे होती है। और उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम रेडी होंगे बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस सीखने के लिए। तो ये सब हमारी कमिंग वीडियोस में आने वाला है। तो हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, और इस फिगर को यूज करके ही मैं आपको कंप्यूटर पूरा समझाने वाला हूँ। तो कंप्यूटर में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पर सीपीयू के बारे में बात करने वाले हैं, और सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जितना भी कॉम्प्यूटेशन और प्रोसेसिंग का काम होता है वो सारा सीपीयू के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है वो सीपीयू से ही होता है, हमारा सीपीयू ही हमारी सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। और हम यहाँ पर अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो होती है रैम। रैम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और इसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा काम होता है, और जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं अपने कंप्यूटर में वो पहले रैम में लोड होता है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन जनरली यहाँ पर हम रैम की जो रेंज होती है वो 8 GB देखते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स में हम 16 GB भी देखते हैं। तो ये हमारे रैम की रेंज हो गई। अब हम बात करेंगे HDD की। HDD क्या होता है? HDD हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, और इसके बारे में भी आपको पता होगा, हमारे दिस पीसी में जितने भी हमारे फोल्डर्स और जो भी हमारी फाइल सेव्ड होती है वो सारी हमारी HDD का पार्ट होती है। और HDD और RAM में यही डिफरेंस होता है कि RAM हमारी जो होती है वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, और जो हमारी HDD होती है वो हमारी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि जो रैम में हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बंद करने के बाद ये मेमोरी डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन जो HDD की मेमोरी होती है वो लैपटॉप या पीसी बंद करने के बाद रहती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया रैम और HDD में। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कीबोर्ड और हमारा माउस होता है। इन दोनों को यूज करके ही हम सबसे ज्यादा इनपुट देते हैं हमारे कंप्यूटर में। और अब मैं आउटपुट डिवाइसेस के लिए बात करता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारा आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, और हमारा मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है। वैसे तो प्रिंटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम बस मॉनिटर के बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक प्रोग्राम कैसे वर्क करता है हमारे कंप्यूटर में। तो अभी हमें पता है कि HDD जो है उसमें क्या सेव्ड होता है। HDD में हमारी फाइल सेव्ड होती है और हमारे सॉफ्टवेयर सेव्ड होते हैं। और आपको पता है कोई भी अगर सॉफ्टवेयर होता है तो हमारे विंडोज पीसी में उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है, और फाइल्स के लिए हमारी अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल होगी तो वो .txt होगा, या फिर अगर कोई इमेज होगी तो या तो वो JPG होगी या तो वो PNG होगी, और ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस कोर्स में C++ पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारी C++ की फाइल्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है वो CPP होता है। तो अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, फाइल .cpp उसका एक्सटेंशन होगा, और हमारा जो एप्लीकेशन बनेगा वो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो फाइल .exe होगा। तो ये बेसिक बेसिक बात हो गई, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक वर्ड फाइल का। तो मान लो यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड फाइल खोलता हूँ। जब मैं ये फाइल खोलूंगा तो पहले हमारा सॉफ्टवेयर खुलेगा जो कि है MS Word, और MS Word को यूज करके ही हमारी ये वर्ड फाइल खुलती है।
तो होता क्या है, सबसे पहले हम उस फाइल पे जाते हैं और उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो एचडीडी से जाके रैम में खुलती है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे पहले रैम में ही लोड होता है। और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे ही ऐसे वर्क करते हैं, सबसे पहले वो रैम में लोड होते हैं और उसके बाद वो हमारा आउटपुट डिवाइस जो कि हमारा मॉनिटर है उस पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो अभी मान लो अगर हम इस वर्ड फाइल में कोई चेंज करते हैं, मतलब हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो कैसे होते हैं वो कॉम्प्यूटेशन उसकी बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, अगर हमने कोई चेंज किया है यहाँ पर, तो रैम हमारा कोई चेंज नहीं कर सकता और कोई कॉम्प्यूटेशन नहीं करा सकता, रैम हमारा बस सॉफ्टवेयर्स को लोड करने के काम आता है। तो ये जाता कहाँ है, ये पहले सीपीयू में जाता है, सीपीयू में हमारा ये प्रोग्राम जाएगा और जो भी हमारी कॉम्प्यूटेशन होगी वो करके वापस आएगा और वापस वो रैम में लोड होगा, और उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस में जो भी हमारा चेंज होगा वो हो जाएगा, और इनपुट डिवाइसेस जो कि कीबोर्ड और माउस है उससे ही हम सारे इनपुट दे रहे होंगे। कोई भी हमें चेंज करना हो, मतलब अगर उस वर्ड फाइल में कुछ लिखना हो, तो हम कीबोर्ड का यूज करके टाइप करते हैं और हमने इनपुट दे दिया तो वो रैम के थ्रू जाता है और उसके बाद वो सीपीयू में जाएगा और वो कॉम्प्यूटेशन करने के बाद वापस आके आउटपुट डिवाइस पे हमारा डिस्प्ले होता है। तो ये हमारी पूरी कहानी है एक कंप्यूटर की, कि कैसे ये वर्क करता है और क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, सीपीयू, रैम, एसएसडी, ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। तो गाइस अब बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि उसका क्या रिलेशन है हमारे कंप्यूटर से और क्यों हम बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर जो हमारा होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। और कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर हम सबको पता है कि सीपीयू के अंदर ही हमारी सारी कॉम्प्यूटेशंस हो रही होती हैं और जितना भी काम होता है हम सीपीयू के थ्रू ही करवाते हैं। तो अगर आपने कभी सीपीयू के अंदर देखा होगा तो वहां पर मदरबोर्ड होता है और वहां बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सर्किट्स होते हैं, और वो सारे सर्किट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बस दो ही चीजें होती हैं, या तो हमारा वोल्टेज अप होता है या हमारा वोल्टेज डाउन होता है। और जब हमारा वोल्टेज अप होता है तो हम उसे 1 मानते हैं और जब हमारा वोल्टेज डाउन होता है तो उसे हम 0 मानते हैं। और यही हमारे बाइनरी लैंग्वेज का भी लॉजिक है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम बस दो ही डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। और ये जो हमारी लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस होते हैं, इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी हमारी मशीन जो होती है वो बस बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकती है, और जो हमारा कंप्यूटर भी होता है वो भी हमारी बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें हमारा वोल्टेज अप और डाउन करके ही हम कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ आया कि हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो होती है जीरोस और वंस की लैंग्वेज, और इसी को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और हमें ये बात समझ आई कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बस एक ही लैंग्वेज समझ सकता है और वो होती है मशीन लैंग्वेज, और उसे कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बाइनरी नंबर्स पे और बाइनरी लैंग्वेज कैसे यूज होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। डेसिमल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, डेसिमल एक नंबर सिस्टम होता है और बाइनरी भी एक नंबर सिस्टम होता है, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी आता है, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, बट यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस बाइनरी और डेसिमल है। और डेसिमल हम हमेशा से यूज करते आए हैं, हमें यहाँ पर पता है कि अगर हमें एक नंबर चाहिए 33 तो हम यहाँ पर इसे डेसिमल नंबर में कैसे लिखते हैं, 33, ये हमारा 33 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाइनरी में वो कुछ और होता होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर का मतलब ये है, ये डेक डीईसी का मतलब ये है कि हम यहाँ पर 10 डिजिट्स यूज करके अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9। ये जो डिजिट्स हैं इन्हें यूज करके हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको 34 करना हो तो आप 34 लिखोगे, 97 करना होगा तो आप 97 लिखोगे, और अगर यहाँ पर आपको 1000 रिप्रेजेंट करना हो तो 1 और हम 3 बार 0 लिख देते हैं। और ऐसे ही हमें पता है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते आए हमेशा से,
और वो ये 9 digits को यूज करके ही किसी भी नंबर को बना सकता है। और वैसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 0 और 1 को यूज करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाइनरी में आप अगर देखो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है 0000, फिर हम 1 के लिए 0001 बोलते हैं, वैसे ही 2 के लिए हम 0010 बोलते हैं, और ये हमारा 10 नहीं हुआ, इसको हम 2 बोलेंगे। ये डेसिमल में 10 होगा लेकिन हमारी बाइनरी में इसे हम 2 बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, और इसमें कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वो हमें जानना नहीं है। मैं बस यहाँ पर आपको इतना बताना चाहता था कि जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वैसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे जितने भी कॉम्प्यूटेशंस कर रहा होता है वो सारे बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं। वो अगर हम कंप्यूटर को बोलते हैं 2+2 करो तो वो 4 दे देता है हमें, लेकिन वो अंदर हमारे आर्किटेक्चर में बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम कर रहा होता है। और वो करता क्या है, यहाँ पर 2 और 2 को वो ऐड कैसे करेगा, यहाँ पर हमारे 2 के लिए होता है आप देखो 0010, और वो ऐड करेगा उसमें फिर से 2, तो 0010 वो उसमें ऐड करेगा तो हमारा 4 आना चाहिए, और 4 के लिए यहाँ पर देखो 0100 है। और ऐसे ये हमारी कॉम्प्यूटेशंस हो रही होती हैं, और ये सारी कन्वर्ट होके हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखती है। तो यही हमारे पूरे कंप्यूटर की कहानी है, और बाइनरी नंबर सिस्टम और मशीन लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, और सीपीयू के अंदर हमारी मशीन लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, और मशीन लैंग्वेज को ही हम बाइनरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, और जीरोज और वंस का क्या फंडा होता है। तो गाइस इस सब के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट की आगे वाले वीडियोस देखो, और उसमें मैंने आपको कोडिंग के बारे में समझाया है और कंपाइलर्स के बारे में समझाया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।